आगे और रुक करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। ये खबर पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू के दोनों सलाहकारों के विवादास्पद बयान पर पार्टी लाइन को साफ करते हुए सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कांग्रेस का हमेशा से यही रुख रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के पंजाब प्रभारी ने साफ किया कि अगर किसी ने विवादास्पद बयान दिया है और वो सही पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि मलविंदर सिंह ने अपनी फेसबुक पोस्ट में इंदिरा गांधी का विवादित पोस्ट शेयर किया था। हालांकि हरीश रावत ने साथ ही यह भी कहा कि चुनावी फायदे के लिए कुछ लोग बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की सियासत कर रहे हैं और इसीलिए सभी से बात करने के बाद फैसला लिया जाएगा। हरीश रावत अब दो दिन के पंजाब दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है वो पार्टी की बात कम से कम यहां पर स्पष्ट करता है। लेकिन सवाल यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार का होगा क्या? देखिए, कोई उथल पुथल नहीं है। मैंने जानकारी ली थी सिद्धू जी, और कुछ लोगों का कहना है कि बयान को ट्विस्ट किया गया है, वो किसी और संदर्भ में कुछ और बातें कही गई थी, उसके कुछ हिस्से को ले करके उसको आगे पीछे जोड़ करके पेश किया गया है, जो बहुधा हो जा रहा है और चुनाव के समय में बहुत संभव है और उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेना भी संभव है। लेकिन एक बात मैं पार्टी की तरफ से साफ कर देना चाहता हूं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, किसी को भी उस इस स्टेटस पर शंका करने का कोई हक नहीं है। बयान देने की बात तो छोड़ दीजिए, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसी चीज़ें ट्विस्ट भी की जा रही हैं, तोड़ मोड़ करके भी पेश की जा रही हैं। चुनाव का वर्ष है तो हमको इतना समय देना चाहिए कि हम पूरी जानकारी कर सकें, और जानकारी के बाद यदि ये चीज़ें तथ्यात्मक आती हैं, दोनों बातें तथ्यात्मक आती हैं, यहाँ की तालिबान के संदर्भ में कही गई बात भी तथ्यात्मक सिद्ध होती है, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई व्यक्ति। और इस वक्त और जानकारी के साथ रंजीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजीता, राहत इंदौरी साहब का मशहूर शेर है, सरहदों पर तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। पंजाब में चुनाव तो करीब है, लेकिन जिस तरह की सियासत कांग्रेस के भीतर दिखाई दे रही है, सवाल ये कि हरीश रावत कह रहे हैं कि गलती पाई जाएगी तो एक्शन लिया जाएगा, क्या वो सलाहकार की फेसबुक पोस्ट को भूल गए हैं? मीनाक्षी, देखिए कांग्रेस इन दिनों सेल्फ गोल में मारी जा रही है। जितनी भी कोशिश करे कांग्रेस अपने घर को संभालने की, लेकिन कांग्रेस में जो स्थिति है उसमें अपने ही चिराग जो है वो आग लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। नवजोत सिंह सिद्धू ने सलाहकार बनाया था कि वो सशक्त करे नवजोत सिंह सिद्धू के स्टेटमेंट को और कांग्रेस पार्टी को, लेकिन जिस तरह के बयान, जिस तरह के फेसबुक पोस्ट, ट्विटर पे जिस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही है, उसके बाद कांग्रेस के लिए बचाव कर पाना मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि ये दारोमदार हरीश रावत को दे दिया गया। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है वो पंजाब के, और अब नई जिम्मेदारी उनको मिल रही है कि एडवाइजर्स ने जो कहा है उस पर कांग्रेस पार्टी अपनी सफाई दे। सफाई में दो मूल बातें जो उन्होंने कही है, पहला तो ये कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जो अमूमन कहा जाता है जब पार्टी में कांग्रेस या दूसरी पार्टियों में भी जब फंसते हैं नेता तो सबसे आसान ये होता है मीडिया पर बयान दे दो और मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दो, कि उन्होंने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी के एडवाइजर्स तो हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू के, लेकिन नेता नहीं है, लेकिन संवेदनशील मामला है, कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या होगी ये देखना होगा मीनाक्षी, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि हरीश रावत दो दिनों के लिए पंजाब दौरे पर कल रहेंगे, कल से उनका दौरा शुरू होगा, और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी ये मामला है इसको सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस आला कमान ने हरीश रावत को दे दी है। हो सकता है एडवाइजर्स की छुट्टी हो या फिर एक अल्टीमेटम देकर, एक नोटिस देकर कि इस तरह के संवेदनशील बयान पर वो ना बोले। लेकिन इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया नवजोत सिंह सिद्धू को टारगेट करने का। यही कारण है कि सबसे पहला बयान विपक्षियों से पहले नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर पर, सबसे पहले कैप्टन का आता है, और कैप्टन ये कहते हैं कि मामले की संवेदनशीलता को समझे, अगर नहीं समझ आता तो बयान ना दे। तो आपसी गुटबाजी एक बार फिर दिखी और राजनीति इस चरम पर कि ना सिर्फ पंजाब बल्कि अब देश में ये बातें हो रही है और कांग्रेस से बचाव करना होना मुश्किल हो पा रहा है। मैं आपके पास लौटती हूँ रंजीता, लेकिन देखिए जिस बात का जिक्र आप यहाँ पर कर रही हैं कि कांग्रेस सेल्फ गोल में माहिर है, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर जिस राज्य में आपकी सरकार है वहाँ अगर आपकी पार्टी के दो बड़े नेताओं के बीच इस तरह से तलवारें खींची हुई हैं और आला कमान के इंटरवेंशन करने के बाद भी वो स्थितियाँ नहीं सुलझ रही हैं, तो वाकई ये आने वाले वक्त में एक बड़ी चुनौती के रूप में आपके सामने होगा।